अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट फरवान क्लास। आई एम योर टीचर ऑफ एसएसटी। टुडे लेक्चर नंबर 12। ओके बच्चों, तो आज हमने बच्चों ये रीडिंग करना है द अर्थ एंड द ग्लोब। ये आप लोगों के सामने बच्चों ग्लोब है, ये पूरी ज़मीन का ग्लोब यानी कि तमाम ज़मीन का जो नक्शा है वो उस पर है, जिसमें सब कुछ है यानी रिवर है, सी है, लैंड है, वाटर है, जो कुछ भी है ये इस पूरे इस ग्लोब में है। ठीक है, ये ग्लोब मैं आपको दिखा रही हूँ आप लोगों के सामने, ये पूरी ज़मीन का ग्लोब है कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, जो भी जहाँ कहाँ शहर है, कहाँ गांव है, कहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कहाँ बंजर ज़मीन है, सब कुछ है। ये देखिए बच्चों, ये आपको ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है ना, द ब्लू पार्ट्स है वो शो क्या करता है, वाटर। ठीक है, अब जो ग्रीन ये सारा पार्ट, ये ग्रीनरी है, यहाँ पे लैंड है यानी कि यहाँ पे जो है गांव है, विलेज है, सिटी है। ठीक है, जबकि जो ब्लू पार्ट है यहाँ पे तमाम का तमाम जो है पानी है, ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पर जो क्या है वो पानी है। ठीक है, बाकी हिस्से पर जो लैंड है वहाँ पर विलेज भी हैं, सिटी भी और टाउन वगैरह, ठीक है ना, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कुछ भी है इस सारे आपको ग्लोब में नज़र आ जाएंगे। अब आप लोग माइंड में होगा कि अक्सर जो है वो जिस तरह से आप पुलिस को ले लें, अब उन वो कैसे उनको पता होता है ये एरिया इधर है, तो ये बच्चों इस ग्लोब के ज़रिए, ठीक है ना, इस ग्लोब के अकॉर्डिंग वो ये तमाम के तमाम जो है वो काम करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि यहाँ ये इलाका है, यहाँ ये इलाका है। ठीक है ना, अगर अब आप लोगों के घर में ऐसे करके को ये देखिए मैं आपको राउंड में भी दिखा देती हूँ ग्लोब है, तो आप लोग इसमें से अपनी आसानी के साथ अपने शहर का, अपने मुल्क का ये जो है ढूंढ के तो आप लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों देखिए ये पाकिस्तान है ये नक्शे पे। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ये न्यू दिल्ली है, इंडिया। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये मैं आपको दिखाई, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया, ये सारे यानी कि तमाम के तमाम ममालिक, उनके जितने भी टाउन्स वगैरह जो कुछ है वो हमें इसके ज़रिए से पता चल जाते हैं। ठीक है, आज हमने रीडिंग करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, अपनी बुक ओपन करें, ये मेरी आप लोगों की बुक मेरे सामने है, अपनी बुक ओपन करें जी बच्चों। यहाँ पर सी ए डे डे आज की राइट करें। आज हमने पढ़ना है द अर्थ एंड द ग्लोब। ठीक है, द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, ज़मीन आपको मैंने बताया था ये गोल है। ठीक है, ये आप ग्लोब में भी देखिए, ज़मीन इस ग्लोब की तरह गोल है। लास्ट हमने साइंस के भी लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ज़मीन जो है वो गोल है। ठीक है ना, अब है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ, इट इज़ अ पिक्चर टेकन फ्राम अबव, ऊपर अबव वर द ब्लू पार्ट शो वाटर, द ग्रीन पार्ट शो लैंड, वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पे रहते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ अ ग्लोब, इट इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट लुक्स लाइक द अर्थ बट इज़ मैनी टाइम्स स्मॉलर, यू कैन कैरी द ग्लोब, यू कैन लर्न अबाउट द अर्थ बाई स्टडिंग द ग्लोब, स्टडिंग द ग्लोब यू कैन टर्न द ग्लोब टू सी डिफरेंट कंट्रीज, वी कैन फाइंड अवर कंट्री पाकिस्तान। मैंने अब आपको पाकिस्तान का कंट्री वो जो है दिखाया है ना कि किधर, ये अभी भी आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है ना, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान है। ठीक है बच्चों, अब हमने नीचे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है, तो फिल इन द ब्लैंक, द अर्थ इज डैश लाइक अ बार राउंड, आर ओ यू एन डी राउंड, बी है द ब्लू पार्ट ऑफ द अर्थ शो, ब्लू पार्ट क्या शो करता है, वाटर, डब्ल्यू ए टी आर वाटर, ये वाला ब्लू पार्ट, ये द ग्रीन पार्ट ऑफ द अर्थ शो लैंड, एल ए एन डी लैंड, अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ई ए आर टी एच अर्थ। ठीक है, राउंड वाटर लैंड एंड अर्थ, हमारा टॉपिक ये भी ख़त्म होता है। मैंने आपको ग्लोब दिखाया, उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग है, जस्ट इसकी 49 पेज की रीडिंग थी। अल्लाह हाफिज़, विद बेस्ट विश।